का डंप माउंटेड सिस्टम है, स्लाइडिंग सिस्टम है। यहाँ पे माइंस के अंदर में जब भी कुछ हलचल होता है माइंस में, तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए ये सिस्टम लगाया गया होगा। 2017 से ये इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है। ये हमारा नीलजय ओपन कास्ट में 2015 एंड 16 में 3 स्लाइड हुआ इस एरिया में। ये जो डिस्टर्ब एरिया है, ये जोन में डंप स्लाइड होने से 2016 में DGMS ने ये सेक्शन 22 इम्पोज किया हुआ है। उस इम्पोज में कंडीशन लगा, डिप साइड में कोई वर्किंग नहीं करेगा अनलेस अंटिल जब कंटिन्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगने के बाद नीचे डिप साइड में वर्किंग करना है करके सेक्शन 22 लगाया। उसके बाद हम लोग है ना वनी एरिया में ये इन्वेंशन किया बोरवेल एक्सटेंशन मीटर। पहले उसको DGMS ने बोला है, उसको फिर मॉडिफाई करने के लिए हमें SMS अलर्ट रियल टाइम होना चाहिए करके उसके बाद हम लोग हैं नागपुर में एक पार्टी है ट्रैक उनसे हम लोग इसको मॉडिफाई किया सॉफ्टवेयर और इसमें कुछ हार्डवेयर में भी मॉडिफाई करके SMS अलर्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब टाइम आता है और डिस्प्लेसमेंट है मोबाइल में आता है। ये इसमें कैपेसिटी अप टू 5 सिम है, 5 आदमी को ये SMS अलर्ट जाता है। एक मैनेजर, एक सवेरा मैनेजर और सेफ्टी ऑफिस है और RC ऑफिस में है और पांचवा है वो है जो मेंटेन करता है इनके पास रहता है। ये पांच है, ये जैसे ही ये डंप में कोई भी मूवमेंट होता है तुरंत इसमें ये स्लाइड होता है मैकानिज्म है। वो स्लाइड होने के बाद ये कंट्रोल रूम है RC में है, उसमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहता है एज वेल एज जो पांच लोगों का जो इसमें फीडिंग किया हो पांच लोगों के SMS आता है विद रिस्पेक्ट टू टैप। ये इंस्ट्रूमेंट ये करीब करीब 5 फीट 6 फीट माने 7 से 7 फीट अंदर जमीन के अंदर चले जाता है जो जहाँ पे OB रहता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे एक मैकेनिकल मोटर्स के माध्यम से ये ट्रांसमीटर सिस्टम है। ट्रांसमीटर सिस्टम के माध्यम से इसमें जो भी हलचल होती है OB में वो यह पूरा रीडिंग लेता है और रीडिंग लेके ये रिसीवर पॉइंट पे देता है। बैक साइड में हमारा रिसीविंग पॉइंट लगा हुआ है और वहाँ से ट्रांसमिट होकर हमारा RC ऑफिस में जाता है। तो सर ये 3 बेस में लगा हुआ है हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये पूरा मैकेनिकल मोटराइज मैकेनिकल सिस्टम है पूरा कम्प्लीटली। जितना भी रिप्लेसमेंट होता है वो धीरे 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 रिंग अपना नीचे चले जाएगा और उतना ही रीडिंग MM में ये रीडिंग देगा कम्प्लीट सिस्टम। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा वहाँ पे जो रिसीविंग पॉइंट है वहाँ पे ये रीडिंग लेके अपना ट्रांसमिट करेगा वहाँ पे और रिसीविंग पॉइंट रिसीव करके सेम रिसीव करने के बाद में वहाँ सायरन अलर्ट होगा। सायरन अलर्ट करके नीचे के लोगों को अलर्ट किया जाएगा उसी वक्त विद इन सेकंड में, और अलर्ट होके बाकी के लोग अलर्ट हो जाएंगे कि भाई अंदर में कुछ ऊपर में कुछ हो रहा है OB में, तो उन लोग अलर्ट हो जाएंगे, उन लोग सावधान हो जाएंगे। और यही मैसेज सेम मैसेज हमारे RC ऑफिस में जाता है और वहाँ से सभी को SMS जाता है और वहाँ पे भी पूरा ग्राफ्स और रीडिंग आता है हमारा। ये कंप्लीट सिस्टम हमारा सोलर बैटरी बैकअप बैटरी और सोलर के ऊपर चलता है। सप्लाई का कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक AC सप्लाई का कोई भी यहाँ पे ये नहीं है। पूरा का पूरा ये अगर आपका 2 डेज भी सप्लाई नहीं रहता है तो हमारा पूरा बैटरी सिस्टम पे चलता है, पूरा DC सिस्टम पे ये पूरा सिस्टम चलता है हमारा। अभी तक ये इंस्टॉल करने के बाद इसी एरिया में कोई डंप मूवमेंट नहीं हुआ और बीच में वेदर इफेक्ट में कुछ उसमें सायरन देना हुआ। जैसे सायरन दिया तो हम लोग तुरंत जो डिप साइड का जो मिशनरी आदमी है अलर्ट होके फिर उसका इंचार्ज जो इंस्पेक्शन किया क्या ये सायरन बज रहा है ये क्या हुआ करके इंस्पेक्शन के बाद पाया गया कि कोई हलचल नहीं है, कोई वेदर इफेक्ट वाल वेदर में स्पेशली इन विंटर में वो सायरन बजता है ड्यू टू मॉइस्चर वही है। अभी तक ये लगने के बाद हमारा ये डंप यार्ड डंपिंग में गए बाकी जगह में भी कोई स्लाइड नहीं हुआ। जब स्लाइड होगा तब ये अपने को अलर्ट करेगा और लोगों को निकालने के लिए ये मदद करेगा।